मीठी सिवैयाँ तो आपने बहुत खाए होंगे। एक बार आप इस तरीके से नमकीन सेवैयाँ बनाएं, सेवई उपमा, ये बहुत स्वादिष्ट लगता है और बहुत जल्द बन जाता है। आज हम बनाएंगे सेवई उपमा। सेवई उपमा बनाने के लिए हम ये दो पैकेट सेवई का पैकेट लिए हैं, इसे हम इसमें निकाल लेते हैं। ये दोनों पैकेट हम इसमें निकाल लिए हैं और ये लिए हैं कुछ सब्जियाँ। इसमें प्याज लिए हैं जिसे इस तरह से लंबे लंबे काट लिए हैं। ये शिमला मिर्च है, इसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। ये टमाटर है, ये करी पत्ता है, ये हरी मिर्च और अदरक का कुछ टुकड़ा है और ये मूंगफली है। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही स्वादिष्ट सेवई उपमा। गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और यहाँ हम डालेंगे एक चम्मच घी और इसमें ये सेवैयाँ डालकर हम इसे भून लेंगे। तो यहाँ हम गैस का फ्लेम लो टू मीडियम करके ही रखेंगे, हाई रखेंगे तो सेवैयाँ जल जाएगी। तो इसे सुनहरा होने तक हमें भून लेना है। सेवई हमारी भून गई है, ये देखिए ये अच्छी तरह से भून गई है। अब इसमें हम एक कप पानी डाल देंगे और इसे हम बॉईल कर लेंगे। सेवई हमारा उबल गया है, अब इसे हम एक छन्नी में निकाल लेंगे। तो गैस का फ्लेम बंद करते हैं और इसे एक छन्नी में निकाल लेते हैं। गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और अब इसमें हम डालेंगे तेल, जीरा डालेंगे और ये कटी हुई हरी मिर्च और अदरक। और इसमें हम डाल देंगे करी पत्ता लेते हैं इसे और ये मूंगफली इसे भी मिला लेते हैं। मूंगफली को थोड़ा भून लेंगे। मूंगफली हमारे थोड़े फ्राई हो गए हैं, अब इसी में हम डाल देंगे ये कटी हुई प्याज और इसे मिला लेते हैं। और अब डाल देंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च और प्याज को दो मिनट भून लेते हैं। प्याज और शिमला मिर्च थोड़ा भून गया है, हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। अब इसमें हम आधा चम्मच से कम हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसे मिला लेते हैं। और अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर और मिला लेते हैं इसे। और इन सबको दो मिनट हम पका लेते हैं। सब्जियां हमारी भुन गई हैं और अब इसमें हम डाल देंगे ये सेवई, इसे हमने अच्छी तरह से उबाल कर छान लिया है और अब इसे मिला लेते हैं सब्जियों के साथ। देखिए ये हमारा बहुत ही स्वादिष्ट सेवई उपमा। मीठी सेवैयाँ तो आपने बहुत खाए होंगे। एक बार आप इस तरीके से नमकीन सेवैयाँ बनाएं, सेवई उपमा, और इसे बनाकर आप सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आएगा ये सेवई उपमा।
और या इसे आप शाम में भी छोटी मोटी भूख में बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट लगता है और बहुत जल्द बन जाता है। तो चलिए इसे हम एक मिनट तक सब्जियों के साथ पका लेंगे। तो ये हमारा सेवई उपमा बनके तैयार है। चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं। तो ये हमारा गर्मा गर्म स्वादिष्ट सेवई उपमा बनके तैयार है। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है और बहुत जल्द बन जाता है। तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।